ऊपर से इसको जान पर आ रहा है स्कूल जाने के लिए, दांत घिसना गुस्से में उठ के कैसा कर रहा है। क्या हुआ, स्कूल नहीं जाने का है? हाँ उमेर, क्या हुआ, क्यों रोना क्यों आ रहा है? लेकिन स्कूल तो जाने का है बेटा, 20 तारीख से पेपर है तुम्हारा, समझे? तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। अरे अरे अरे, हे अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का शफी काशिफ व्लॉग में। मेरे फोन में चालू कर रही ना, एक्चुअली जानू आज है नहीं, सुबह वीडियो बना के चले गए थे वो अपने वाले में, खुदके में, वो डालेंगे, मैं भी डाल दूंगी, क्या हो गया उसमें, हम बताएंगे बिना जानू के हम कैसे रहते हैं। तो उमेर को आ रहा है गुस्सा क्योंकि उसको थोड़ा और सोना था और स्कूल का टाइम हो रहा है, तो मैंने उठा दिया, 12 बज चुके ऑलरेडी। तो अब अब्बा नहीं है तो उसका मन नहीं हो रहा होगा। अरे अरे बाप रे, क्या रोना हो रहा, उमेर उमेर उमेर। खैर कोई नहीं, चलो मैंने नाश्ता से तैयार कर दिया, अभी जा रही हूँ उमेर की टिफिन तैयार करने, फटाफट उमेर जाएगा स्कूल। क्या बा मुन्नू, खत्म हो गया पूरा चूरा निकल रहा है, ले खा ले चल अभी फटाफट, यहाँ मेरा राशन पड़ा है। और आज मैं जा रही हूँ, जानू नहीं है तो सब सफाई करने, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है यार, टाइम नहीं मिल रहा था, साफ नहीं कर पा रही थी, कहीं जाना आना लगा था, क्लासेस भी जाना होता है शाम में, तो क्लासेस तो अभी शाम में जाऊंगी। खाना है खिचड़ी है, खाली उमेर की फरमाइश है, मम्मा मेरे को पालक की सब्जी खाना है, लेकर आई हूँ, अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में गर्मा गर्म। थोड़ा सी बर्तन है धोने, तो मैंने सोचा क्यों ना सब निकाल के पहला डब्बे वब्बे अभी घस के पोछ लेती हूँ, फिर उसमें सारे राशन अच्छे से भर के रखती हूँ, मैं तो पूरा क्लीन करती हूँ क्योंकि अभी रमजान भी अपना शुरू हो रहा है। और मेन चीज प्रॉब्लम यार धूल की है, धूल बहुत आती है, देखो यकीन नहीं ना तुम लोग को, ये देखो ये मैंने कल पोछा था और आज इस पे धूल देखो। कोई बोलेगा कि मतलब इस घर में इतनी धूल आती है, मेन प्रॉब्लम उसकी है, वहां पे जाली लगा दी लेकिन फिर भी धूल आती है और हर जगह पे आती है। ये डेली पोछती हूँ लेकिन देखो दूसरे दिन देखो इसका हाल ये हो जाता है, ये हाल है। तो ना मैं कभी कभार ऐसा होता है ना कि बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, जानू चिल्ला देते हैं, बोलते जान दो तुम थोड़ा आराम करो, मत करो नहीं जम रहा, काय को बोले डेली कर रहे, ऐसा करो एक दिन आड़ से या दो दिन आड़ से क्लीन किया करो करके। मैं जिस दिन टाइम रहता उस दिन तो अपन पूरा ही कर देते हैं, जिस दिन टाइम नहीं रहता तो आज थोड़ा ये कर दिए, कल थोड़ा वो कर दिए, परसों थोड़ा वो कर दिए, ऐसा अपना चलता रहता है। तो खैर चलो अभी चलते हैं, सबसे पहले बाटलियां वगैरह सारी धो के पोंछ के और अपने राशन उसमें भरूं, इसीलिए मैंने राशन अभी भरा नहीं था क्योंकि मुझे बाटलियां सब धोनी थी और कल जाना था, बोलते कल नहीं कर पाई, बट आज फ्री हूँ, आज करके हटाऊंगी। उमेर भी नहीं स्कूल चला गया, उसको स्कूल भेज दी तैयार करके, फटाफट काम खत्म करती हूँ, फिर उमेर आएगा 5:30 बजे तो उसके साथ खाना खाऊंगी, क्योंकि आज जानू नहीं है तो मन नहीं लग रहा है, खाने का दिल नहीं हो रहा है। खैर कोई नहीं, चलो आ जाओ बहनिया, आ जाओ नीचे, इसीलिए भी झाड़ू पोछा नहीं करी, झाड़ू वाड़ू निकाल के रखी हूँ मेरी, पहले क्लीन कर लो इसको पूरा, धूल मट्टी सब अच्छे से सारे डब्बे उब्बे, उसके बाद लास्ट में झाड़ू पोछा करूंगी। ये मैंने सब उतार लिया है, अभी सबको फटाफट घसूंगी फिर पोछूंगी, तो मेरे को इजी पड़ेगा क्योंकि अभी भी इसके अंदर थोड़े मतलब सामान है ना, तो पूरा मतलब प्रॉपर धो नहीं सकती अच्छे से अंदर लेके जाके, फिर खाली करने में फिर टाइम हो जाएगा, शाम को क्लासेस भी जानी है और जानू के नए नए ड्रेस है बहुत सारे, वो धोने भी है, तो इसीलिए घसूंगी ताकि इसका दाग निकले और फिर गीले कपड़े से अच्छे से उसको पोंछ के क्लीन कर, ये मैं डेली भी साफ कर पाती हूँ क्योंकि डब्बे वगैरह ना डेली निकालना नहीं हो पाता है कि डेली निकाल के पोछूं, तो कभी 2 दिन आड़ से 3 दिन आड़ से, बट अभी कम से कम 1 महीना हो गया क्योंकि राशन मैंने 1 महीने से भराई नहीं थी, टुकड़े टुकड़े थोड़े थोड़े लाके चला रही थी, तो उस वजह से इसलिए ये निकल के साफ ही नहीं हो पाए, ये तो बराबर भराती हूँ ना, तो पूरा एक साथ ऐसी हमेशा की तरह करती हूँ, पोंछ के क्लीन करके फिर उसमें भर के अच्छे से रखती हूँ, तो आराम से चलता है, टेंशन नहीं रहती है। तो चलो और जब तक लगाऊंगी टीवी पे कुछ और यहाँ देखूंगी, लगाऊंगी व्लॉग क्योंकि कल हम लोग ने बहुत मस्ती किए हैं व्लॉग में, जानू ने सबको जो चैलेंज दिए मुझे देखना है। तो ये देखो जानू, देखो तुम्हारे नहीं होते, मैं तुम्हारे को देख रही हूँ, मैं जानू मेरी पसंद की है।
तो आइए आप लोग एंजॉय कीजिए काम करते करते व्लॉग शफीक आसिफा व्लॉग मिस यू जानू बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर अभी ये सब बाकी है, अभी ये सब पहला पोछ लिया, ये सारा पूछ गया है, साफ हो गया है, अभी ये लाल बचा है। तो यहाँ मैंने बाटलियाँ सारी क्लीन कर दी और ये भी अभी मस्त इसमें जा रही हूँ लगाने और सारा राशन फटाफट भरती हूँ। फाइनली मुन्नू मेरा यहाँ बैठा है, सब पूरा मैंने क्लीन कर दिया, अभी बर्तन खाली धोना है और पूरा ऊपर सेट कर दिया सामान वगैरह। और जस्ट अभी मुझे बस जा रही भाजी बनाने, फटाफट भाजी बनाती हूँ मैं के लिए पालक की, बोला है मेरा बेटा पालक आलू खाऊंगा, मम्मा पालक आलू बनाऊं और फिर मैं भी खाना खाऊं, वो आएगा तो बहुत थक गई, अभी खाली लास्ट कपड़ा धोना और बर्तन धोना रह गया, फिर काम खत्म, उसको छोड़ूंगी ट्यूशन, फिर वहां से देखूंगी, सोच रही हूँ या तो पैदल जाऊं कि रिक्शे से जाऊं, समझ नहीं आ रहा क्लासेस, क्योंकि क्लासेस यानी एक नंबर पर है, चलने में हालत खराब हो जाएगी, तो देखते हैं उस टाइमिंग पे, अभी तो चलो ये सब काम करके हटाते हैं भाजी बनाते। देखो इसको, देखो चड्डा पहन के बैठा है कैसा, टीवी देखते हुए, इसका ट्यूशन का टाइम हो रहा है और यहाँ मेरा काम पड़ा हुआ है, कपड़े इतने सारे धोड़ी में बैठ के, अल्लाह बस हो गया है ये सब खंगाल के, फिर वॉशरूम धो के फटाफट उमेर को ट्यूशन छोड़ के भागूंगी क्लास, बर्तन धोऊंगी, सोच रही हूँ क्लास से आने के बाद, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचेगा, लास्ट मेरे पास 15 मिनट है और 15 मिनट में मुझे बहुत कुछ करना है, जानू की बहुत याद आ रही, कल जानू होते हैं तो, क्योंकि ये सब काम मेरा बाकी का दूसरा हो जाता, जैसे उमेर को स्कूल ट्यूशन छोड़ना, तो बेचारे सब वही करते हैं, फोन में भी बेचारे पूरा ब्लॉगिंग का सब देखते हैं, एडिटिंग वगैरह से लेकर के हर एंड को मतलब कंट्रोल करना, पेमेंट से लेकर सब कुछ सारा काम होता है, मैं तो खाली बस सपोर्ट करती हूँ, साथ में थोड़ा बहुत वीडियो बनाती हूँ, खैर चलो फटाफट धोकर आती हूँ, फिर उसको ट्यूशन छोड़ती हूँ। ठंड ठंड है, अरे बापरे बहुत गर्म हो रहा है। खैर फाइनली मेरा काम खत्म हो गया, सब बर्तन वर्तन भी मैंने धो दिया, फटफट उमेर गया ट्यूशन, एक्चुअली मैंने अब्बा की आज हेल्प ली, मैं बोली अब्बा प्लीज उमेर को ट्यूशन छोड़ दो, क्योंकि अब्बा का वहीं साइड बाजू में ही काम चालू है, तो अब्बा बोले टेंशन मत ले तू क्लासेस जा तैयार व्यार होके, मैं उमेर को लाके अपने पास यहीं रखूंगा और जब यहां से छूटूंगा 9 बजे के बाद तो लेकर फिर घर जाऊंगा, मेरी ठीक है अब्बा चलेगा,
तो मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, मस्त आंग वांग धो के फ्रेश हो गई, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, और जो जानू के न्यू ड्रेसेस थे या जिन पे कलर लगने का टेंशन था उनको ऊपर सूखने के लिए भी डाल दी फटाफट। झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब हो गया, सिर्फ एक चीज मेरे हाथ में बहुत खटक रही है, वो फ्रिज के ऊपर का हिस्सा ही है। ये मुझे बहुत खटक रहा है नजर में, क्योंकि वहीं पे जानू ने अपना कपड़ा, अपनी गिफ्ट्स और बलून का वो मशीन सब वहीं रखे हैं, तो वो मुझे बहुत आंख में खटक रही है। तो वो अभी क्लासेस से आने के बाद हटाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, अजान हो रही थी, नमाज वगैरह सब हो गई। अब मैं निकल रही हूँ तैयार होकर के, और अभी मुझे जाना है, यहाँ से चल के रिक्शा पकड़ूंगी, फिर तब जा करके मन्नू के लिए खाना निकाल दूँ, तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, वो सो रहा है। मन्नू खाना निकाल दूँ, बच्चा खा लेना। तो मैं ये सब कर दिया, काम मेरा हो गया फटफट सारा, बर्तन भी इसलिए मैंने धो दिया। अभी रिक्शा पकड़ूंगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया, चल के जाने का टाइम नहीं है। और जानू भी चिल्ला रहे, बोलते चल के काहे को जाओगे, भले ही बोले एक दिन का जाएगा, 20 रुपये नहीं दे सकते क्या, जाओ बोले चुपचाप वैसा, और बोले आना भी बोले वैसे, इसे चिल्ला रहे, पैसा तो ली नहीं तो रिक्शे वाले को क्या दूंगी। सॉरी। तो खैर चलो, मिलती हूँ अभी आप लोगों से रस्ते में, मैं फटाफट पहले पैसे ढूंढ के निकाल लूँ। तो खैर चलो, लो हो गया पचका, लॉक ही नहीं खुला है, बंद कहाँ से होगा। होता है सबके साथ होता है, मेरे भी साथ होता है। ठीक है चलो, 1 2 3 लग गया बड़ा लॉक, हो गया। चलो फटाफट जाके रिक्शा पकड़ती हूँ, वैर का भी टेंशन खत्म, आज घड़ी वड़ी कुछ नहीं पहनी, और जाऊंगी सिया मस्जिद के, ऐसी मस्जिद के पास से, तो 8 नंबर बहुत दूर पड़ जाएगा मेरे को। और सर को मैसेज भी कर देती हूँ, सर थोड़ा आने में लेट होगा बोल के, नहीं तो भड़केंगे तो नहीं, वैसे तो कर देती हूँ। बहुत ट्रैफिक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। तो क्लासेस मेरे ख्याल से शायद पीछे गई कि आगे है, और जल्दी नहीं भाई, छुट्टा नहीं, इसलिए तुम्हारे को नोट एकदम जल्दी जल्दी मैं भाग के लेकर आई हूँ। तो अभी फटाफट जाती हूँ क्लासेस, अच्छा है सर नहीं आए हुए हैं, मैसेज करके पहले ही बोल दी, पूछ के भी निकल पाए। तो मैं फिर से रिक्शा में बैठ गई, क्योंकि मुझे छुट्टा ही नहीं मिल रहा है। तो लाए भाई बराबर, नहीं वो आगे वाला है, ये नहीं है, सामने दिख रहा है बिल्ली का, देखो ये बना हुआ है। तो छुट्टे की वजह से परेशानी हो रही है बहुत सारी, खैर कोई बात नहीं, चलो अभी ले लूंगी मैं। तो खैर रिक्शा वाले भाई गए बेचारे, दे दी उनको पैसा, और कहाँ से लेके दी, अपने भाई की शॉप जहाँ से मुन्नू के लिए अपना खाना लेते ना, वहाँ से। थैंक यू भाई, भाई ने दिए मेरे को छुट्टा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भूल तो नहीं गई ना, बहुत टेंशन हो रहा है यार, आज क्लास समझ में नहीं आ रही है, बिना जानू के आई हूँ तो क्लास का पता नहीं चल रहा, क्लास आ गया, बच गए भी टच में। चलो फटफट, ये फर्क होता है पति के साथ बाइक पे आने में और रिक्शे से आने में। कोई बात नहीं, चलो जल्दी, आज तो जख्म दर्द हो रहा है, आज मेहनत ज्यादा होगी, बहुत दर्द बहुत हो गई, अच्छा हुआ पैदल चल के नहीं आई। खैर मैं घर वापस आ गई, और उमेर भैया बैठ के देख रहे हैं टीवी, और मैं मेकअप पूरा निकाल दी, और सॉरी मैंने मेकअप करी थी इतना अच्छा, और मैं आप लोगों को लुक दिखाना भूल गई यार वीडियो में, बट मैंने छोटा छोटा सा शूट लिया है, वो थोड़ा सी बीच में डाल दूंगी, आप लोग देखना। खैर अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम, फ्रेश होके आती हूँ, और आज उमेर ने भाजी बनवा के नहीं खाया, क्या बोलता है राइस खाएगा, बोलता है हाँ है, खुशी हो गई, खुशी। आज मेरे बच्चे को राइस खिला दूंगी मैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अब्बा नहीं है, जाने दो, नहीं तो अच्छा खाना तो बनता ही चे, पर ये जरा नाटक करता है, खिचड़ी तो खा लेगा पर भाजी नहीं खाएगा, भाजी बनवाया, बोले मम्मा वो वाली भाजी बनाओ,
मैंने इसके लिए पालक बनाई, बोलता अरे मैंने ये वाली नहीं दूसरी बोला था, बहुत बेकार है सही। बट आज का मेकअप बहुत अच्छा था, सर टीचर बहुत खुश हुए देख के, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं होता यार कि मैं ऐसा मेकअप करने लगी हूँ। थैंक यू। चलो आती हूँ फ्रेश होके। तो हो गया मेरा सारा काम, बहुत थक गई मैं, बहुत हालत खराब हो गई। आज उमेर जिद कर रहा था, बोले मम्मा थोड़ा राइस खाने का है, बहुत टाइम हुआ, बहुत दिन से राइस नहीं खाए, अब्बा भी नहीं है, अब्बा होते अब्बा को बोलता तो अब्बा मेरे को खिला देते। तो मैं बोली अब्बा खिला सकते तो क्या मम्मा नहीं खिला सकती? तो फिर मैं बोली तू थोड़ा देर रुक, मैं लेकर आती हूँ, बाजू में ही शॉप है। तो जाकर के फिर इसके लिए हाफ राइस लेकर आई हम माँ बेटे। पता नहीं दो दिन से मुझे ऐसी चो रहा है कंटिन्यूसली, ऐसा कुछ गलत नहीं, ऐसे भी इस प्रॉब्लम में ऐसा अक्सर होता है कि कभी खाने का मन होएगा कभी नहीं होएगा। मैं आजकल खाना कम खा रही हूँ ना, इस वजह से तो मुझे एकदम ऐसा वॉमिटिंग जैसा होने लगा, अजीब हो गया एकदम, और थकान भी बहुत हो गई। कंटिन्यूसली सुबह से काम कर रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, मेरे घर में ये भी नहीं था, जानू भी नहीं थे, तो मेरे साफ सफाई करके हटा देती हूँ यार। फिर अभी टाइम मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, फिर कभी इवेंट पड़ जाता है, कभी कहीं जाना आना पड़ जाता है, क्लासेस रहती है शाम में सब, इसी के चलते फिर मैं बोली लाओ यार करके आज हटाती हूँ, फ्री हूँ, ज्यादा काम नहीं था, खाना दोपहर में बनाने का नहीं था, खिचड़ी थी, भाजी बना दी आप लोगों के सामने, बनाई मस्त आलू की भाजी, आलू पालक। और थोड़ा थोड़ा सब नए नए थे जानू के, तो थोड़ा उनके कपड़ों का बहुत टेंशन होता है, मैं हाथ से धोती हूँ क्योंकि मुझे मशीन का चलता नहीं है, और उनको हाथ की सफाई ऐसे भी पसंद भी है, हालांकि मुझे बोलते हैं मशीन के लिए एक तो रखने की जगह नहीं है यार, और दूसरा मुझको डर लगता है कि कभी ऐसा हो जाता है ना, अपन एक कपड़े के साथ एक कलर वाला कपड़ा गलती से चला गया, उससे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे सारे कपड़े, तो इस वजह से मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं लेती हूँ मशीन, मुझे अक्सर हाथ से ही चलता है, नहीं तो मालूम पड़ेगा जांगर चोरी आ जाएगी बदन में, इतना जहाँ काम करती हूँ मालूम पड़ेगा वो एक काम के लिए कभी मशीन को कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर मेरे को धोने नहीं जमेगा, तो अपना हाथ जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं, अपन सब कर सकते हैं। सब हो गया लेकिन फ्रिज के ऊपर का खाली रह गया, क्योंकि अब ना बहुत थकान हो रही, मेकअप कर ली ना तो हैवी हैवी जैसा हो रहा है आंखों पे निकालने के बाद, नींद जैसा हो रहा है एकदम थकान। अब जा रही हूँ सोने, मैं उमेर को बोली मिली चलो सोते हैं, जानू आएंगे सुबह सुबह वापस आ जाएंगे, तो अच्छा है जल्दी आँख खुल जाएगी, मेरा बच्चा आ रहा है तो जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी। तो खैर चलो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, प्यार बनाए रखो, तो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, लव यू ऑल, गुड नाइट।